नमस्कार, स्वागत है आपका मालवी एकेडमी बीएचयू वर्ल्ड में। और फर्स्ट ईयर वाले जो बच्चे बीएचयू एंट्रेंस 2021 में अपना सिलेक्शन लिए हैं और परेशान हैं कि कॉलेज कब खुलेगा, उनके लिए ये वीडियो है। एक खुशखबरी है कि 22 तारीख को एक बीएचयू एडमिनिस्ट्रेशन की मीटिंग हुई थी, जिसमें लगभग जो सारे बड़े पदाधिकारी थे वो मौजूद थे। और उस मीटिंग का मिनट बाहर आया है, उसमें ये चीज़ें क्लियर दी गई हैं। एजेंडा 2 जो है वो आप लोगों के लिए है। एजेंडा 2 में स्पष्ट है कि स्टार्टिंग ऑफलाइन क्लासेस फॉर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, यानी कि अगर आप यूजी के फर्स्ट ईयर में हैं, पीजी के फर्स्ट ईयर में हैं, किसी भी कोर्स के फर्स्ट ईयर में हैं, तो आपके लिए 21 मार्च से ऑफलाइन क्लासेस शुरू होने की लगभग चांसेस बन चुके हैं। और हॉस्टल अलॉटमेंट की प्रक्रिया जो है वो कह रहे हैं कि 1 मार्च से ऑनवर्ड वो अपनी प्रक्रिया शुरू कर देंगे। तो अब मान के चलिए कि आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो खुलने वाली है। आप लोग बहुत लकी बैच है पिछले 2 साल की तुलना में, कि पिछले जो 2 बैच जाए वो कोरोना काल में ही अपनी क्लासेस ऑलमोस्ट पूरी कर लिए, लेकिन आपका बैच फिर से लकी है जिसको ये मौका मिल रहा है कि फर्स्ट सेमेस्टर से ही जो है वो ऑफलाइन क्लासेस विश्वविद्यालय में कर पाएगा। तो अपने बैग को पैक कर लीजिए, तैयार हो जाइए। और आप लोगों में बहुत खुशी होगी अपने यूनिवर्सिटी लाइफ को शुरू करने की, लेकिन एक चीज का बाबू ध्यान रखिएगा कि विश्वविद्यालय जीवन में आप प्रवेश कर रहे हैं और यहां बिगड़ने के चांसेस भी बहुत ज्यादा हैं। आपके माता पिता ने जो सपना देखा है, आपको जितनी मेहनत से उन्होंने पढ़ाया है, आप उसको यहाँ आके साकार करने में लगिएगा। इधर उधर की एक्टिविटी में बिल्कुल इन्वॉल्व मत होइएगा और जो अपना सिलेबस है उसको पूरा करिएगा। और 3 साल में ये प्रण लेके आइएगा कि आप जो भी अपने जीवन में अचीव करना चाहते हैं उस दिशा में लगातार कदम बढ़ाते रहेंगे। और हमसे जिस प्रकार के आपको सहयोग की आवश्यकता होगा वो ज़रूर बताइएगा। हालांकि बीए वालों के लिए जो है, जो लोग पीसीएस वगैरह का एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनके लिए हमने ऑलरेडी एनसीईआरटी की क्लासेस खुद शुरू कर दी है और मैं उसमें सारी क्लासेस खुद ले रहा हूं 6-12 की। तो आप लोगों को वो क्लासेस से जरूर जुड़ना चाहिए क्योंकि वहां आपका एक मजबूत बेस जो है बनेगा। और जितने लोग जुड़े हैं उस क्लासेस से जरूर बताइएगा। बाकी आपका एडमिशन किस कॉलेज में हुआ है ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ताकि देखें भाई कहां कहां के लड़के जो है वो छात्र छात्राएं जुड़े हैं। और अगर हमसे आप जुड़ना चाहते हैं ट्विटर हैंडल पे, तो बीएचयू वर्ल्ड के ट्विटर हैंडल @worldbhu पे जुड़ सकते हैं। यहां पे भी आप अपनी क्वेरी भेज सकते हैं और @surajbhuworld पे जो है मुझसे जुड़कर अपनी प्रश्नों को पूछ सकते हैं। और कोई क्वेरीज है और आपके मन में प्रश्न है तो वो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, उस पे भी आने वाले समय में वीडियोस बना दिए जाएंगे। हाँ, एक क्वेरीज आप लोगों के हमको लगता है जो सबसे ज्यादा आ रही होगी वो आ रही है कि हॉस्टल और नॉन हॉस्टल, कि सर हॉस्टल नहीं मिलेगा तो कितना खर्च होगा, अगर हम नॉन हॉस्टलर हैं तो हम कहां रहे। इन सारे टॉपिक्स पे अगर आप चाहेंगे तो उस पे भी मैं वीडियोस बना के आपको उपलब्ध करा दूंगा। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और आगे के लिए मेहनत करते रहिए। आप लोगों में से कई लोग पूछेगा सर ये कोई नोटिस तो आया नहीं है, तो ये आधिकारिक नोटिस नहीं है, ये क्या है, मिनट्स है, जो मीटिंग हुआ था ना उसका मिनट्स है। तो मीटिंग का मिनट्स जो है वो कभी भी पब्लिश नहीं किया जाता है, जल्दी नोटिस के सूरत में ही आपको वेबसाइट पे या अलग अलग प्लेटफॉर्म से बीएचयू जो है अवगत कराएगा। इस दिशा में भी वो काम कर रहा होगा।